से बात करने जा रहा हूँ हेयर लॉस के बारे में, यानी एलोपेशिया के बारे में। इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण हैं, और इसका इलाज कैसे किया जाता है, इसकी जांच के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपसे हेयर लॉस के बारे में। हेयर लॉस क्या है? जब हमारे बाल नॉर्मली क्या होता है, FDA के अकॉर्डिंग 50 से 100 बाल हमारे प्रतिदिन गिरते हैं। अगर इससे अत्यधिक यानी ज़्यादा बाल हमारे झड़ना शुरू हो जाते हैं किसी भी वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो या जेनेटिक फैक्टर हो, तो उसे हम एलोपेशिया बोलते हैं, यानी हेयर लॉस बोला जाता है। अब मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपसे हेयर के बारे में। बाल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इनकी ग्रोथ कैसे होती है, इनके कौन कौन से फेज होते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ हेयर के बारे में। हेयर के जो है मेनली दो पार्ट होते हैं, एक बाहर का जो पार्ट देखते हैं हम हेयर शाफ्ट, जो धागे की तरह होता है, स्ट्रैंड की तरह मान सकते हैं, जो अंदर से ही निकलता है, और दूसरा जो हिस्सा होता है इनका हेयर फॉलिकल, जिसे हम हेयर रूट बोलते हैं। जो हमारा अंदर वाला हिस्सा होता है जो हेयर का, वो करीब 4 mm तक अंदर होता है। हमारी सबसे ऊपर की लेयर होती है डर्मिस, उससे नीचे एपिडर्मिस, वहाँ तक ये पहुँचा हुआ होता है बाल की जड़, इस रूट। उसमें सबसे नीचे जो होता है बेस में, वो होता है बल्ब। हेयर बल्ब क्या करता है, प्रोटेक्शन टाइप की करता, प्रोटेक्शन करता है। वहीं पर बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, हाइड्रोजन रिसेप्टर होते हैं, जो स्टिमुलेट करते हैं हेयर की ग्रोथ के लिए। और सबसे नीचे बेस के पास में जो नीचे हिस्सा होता है डर्मल पैपिला, इसमें बहुत सारी नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स, और बहुत सारी हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं, विटामिन की पूर्ति करती हैं, पोषण देती हैं बालों के लिए। उससे ऊपर जो होता है हमारा, वहीं पर पास में जो है मेलानोसाइट सेल्स होती हैं, जो मेलानिन पिगमेंट रिलीज करती हैं बॉडी का, जिसके वजह से हमारा किसी का रंग काला सफ़ेद इस तरीके से जो होता है, मेलानोसाइट सेल्स वहीं पास में होती है। जब से ऊपर होता है जर्मिनल मैट्रिक्स, जर्मिनल मैट्रिक्स में ही जो है क्रेटिनोसाइट सेल्स होती हैं, वो क्रेटिन बनाती हैं, जो नया बाल बनता है जर्मिनल मैट्रिक्स में ही बनता है। जर्मिनल मैट्रिक्स में बनने के बाद वो स्टोर होता है हमारा बल्ज के पास में। बाकी ऊपर जो है हेयर रूट सी इस तरीके से होते हुए हमारे जो बाल जो है डर्मिस से ऊपर बाहर निकलता है, उसे बोलते हैं हेयर शाफ्ट। जो हमारी हेयर शाफ्ट होती है, जो है हमारी हेयर शाफ्ट, उसमें 3 लेयर होती हैं, मेन एक मेडुला, एक कॉर्टेक्स, एक क्यूटिकल। सबसे अंदर वाली लेयर को मेडुला बोलते हैं, और सबसे बीच वाली लेयर को कॉर्टेक्स, जिसमें मेलानिन पिगमेंट होता है, और क्यूटिकल सबसे बाहर की लेयर होती है हमारी। और इसके साइड में ही जो है, मैं बता दूं आपको, इरेक्टर प्लाई मसल्स होती है, जिसकी बेसिक क्या है, हमारा जो हेयर फॉलिकल जो है स्ट्रेट रहता है, और हमारा सीबेसिस ग्लैंड होती हैं, सीबेसिस ग्लैंड भी हमारे नीचे ही होती हैं, जो सीबम रिलीज करती हैं हमारी हेयर फॉलिकल के अंदर ही। और उसके अलावा जो कनेक्ट रहती हैं एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, जिसमें से पसीना निकलता है, दूसरे एक्राइन थोड़ी दूर होती है, अनकनेक्टेड रहती हैं हेयर फॉलिकल से, लेकिन एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड और सीबम दोनों एक साथ निकलते हैं। सीबम जो है हेयर को लुब्रिकेट करने का काम करता है, एक उससे शाइन हेयर, जिससे कि बेसिकली हमारे बाल सॉफ्ट दिखाई देते हैं। अब मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ उसके बालों के फेस के बारे में, इसके ग्रोथ। हमारे बालों की जो है मेनली 3 फेस होते हैं, एक जैसे हमारा होता है एनाजन फेस, जिसे ग्रोथ फेस से कहते हैं, ये लगभग 3 से 7 साल तक का होता है, किसी में 5 साल, 1 साल 6 साल का हो सकता है। ये ग्रोथ फेस होता है, यानी जब हमारा बाल बनना शुरू होता है हेयर फॉलिकल के अंदर, उसके बाद से जो टाइम होता है वो एनेजन फेस कहलाता है। यानी कि आपका मान लो 0 से लेके 1 दिन से लेके जब तक बाल बढ़ता रहेगा, वो करीब 5 साल 6 साल 7 साल तक हो सकता है आपका, 3 साल से लेके 7 साल तक का, 3 साल भी हो सकता है, 3 से लेके 7 साल तक हो सकता है आपका एनेजन फेस। उसके बाद हमारा जो बाल होते हैं वो दूसरा फेस होता है कैटेजन फेस। कैटेजन फेस में क्या होता है, जो हमारे बाल होते हैं वो हेयर डर्मल पैपिला होता है, उससे उसका कॉन्टैक्ट हट जाता है, हमारे जो हेयर फॉलिकल के अंदर बाल है उसके उसका कॉन्टैक्ट जब हट जाता है तब वो उस आता है कैटेजन फेस। वो करीब 2 से 3 हफ्ते तक का हो सकता है। जो लास्ट वाला फेस होता है, जिसे हम टेलोजन फेस कहते हैं या रेस्टिंग फेस, इसमें बाल जो हमारे रेस्ट की कंडीशन में चला जाता है। उसके कुछ लोग जो हैं इसके बाद, ये करीब 2 से 3 महीने तक का होता है, इसमें जो बाल जो है हमारी सेटिंग होती है इसमें बालों की। इसके बाद क्या है, हमारा दूसरा नया बाल इस तरीके से नया फेस शुरू हो जाता है दोबारा, एनेजन फेस।
कुछ लोग जो है चौथा फेज भी मानते हैं, जैसे एक्सोजन फेज, जैसे हेयर सेटिंग फेज कहते हैं। इस तरीके से हमारे बालों की साइकिल चलती रहती है, पहले एनेजन फेज, फिर दोबारा कैटेजन फेज, फिर टेलेजन फेज, फिर एक्सोजन मान सकते हैं, फिर दोबारा एनेजन फेज शुरू हो जाता है। इस तरीके से हमारे पूरे जीवन में करीब 23 से 24 साइकिल चलती हैं हेयर की। लगातार जो हमारे बाल जो होते हैं 85 से 90% हमारे बाल जो पूरे स्कैल्प के पूरे बॉडी के, वो करीब जो है हमारे जो है एनेजन फेज पर रहते हैं करीब, और 2% बाल जो है करीब कैटेजन फेज में रहते हैं, 10 से 15% यानी कि टेलोजन फेज में यानी कि सेटिंग फेज में रहते हैं बाल झड़ेंगे 10 से 15% पूरे स्कैल्प के। हमारे पूरे बॉडी पे जो है करीब 5 मिलियन हेयर फॉलिकल्स होती हैं, जिसमें से 5 मिलियन मतलब 50 लाख हेयर फॉलिकल्स मान लो, और जिसमें से करीब 1 मिलियन यानी कि करीब 10 लाख हेयर फॉलिकल्स जो है हमारी सिर्फ स्कैल्प पे ही होती हैं सिर्फ हमारे। और जो हमारा हेयर का जो कलर है वो मेलानिन पिगमेंट डिपेंड करता है, यू मेलानिन है, फ्यू मेलानिन है, जिससे डार्क ब्राउन होंगे या रेड कलर होंगे आपके बाल। और जो दूसरा हमारा हेयर का जो कर्ली हेयर है हमारे या स्ट्रेट हेयर है, वो हमारे हेयर फॉलिकल का जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होता है, वो डिपेंड करता है हमारा। अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे जो है इसकी बीमारियों के बारे में, कौन कौन से कॉजेज हैं, इसके कारण क्या होते हैं। सबसे मेन जो पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके कारणों के बारे में, उसमें जो मेन कारण होते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया, जिसमें हमारा जो है क्या होता है हमारा डीएसटी का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। दूसरा होता है हमारा जैसे टेनोजन एफ्लोबियन, जिसमें न्यूट्रिशन वगैरह की कमी से या किसी बीमारी की वजह से हो सकता है। और एनेजन एफ्लोबियम, जैसे हमारा किसी कीमोथेरेपी वगैरह कोई हुई हमारे उसकी वजह से हो सकता है। एक होता है साइसेट्रिकल एलोपेसिया, मतलब जैसे स्कैरिंग एलोपेसिया, जिससे किसी बीमारी हुई हमारे सर में या किसी को हमारी एक्टोमियन डिजीज है उसकी वजह से हो सकता है। एक होता है एलोपेसिया एरियाटा, मतलब ये जो है हमारा किसी एटोम्यून डिसीज की वजह से भी होता, ये भी होता है, जैसे कोई हमारे एटोम्यून सिस्टम हमारा जब अटैक करना शुरू कर देता है ये उसके वजह से होता है। और दूसरे जैसे ट्राइकोटिमोनिया, ट्राइकोट्रिलोमैनिया, जिसमें क्या होता है हेयर पुलिंग सिंड्रोम, जैसे हमारे बाल जो हम अपने खींचना शुरू कर देते हैं। और दूसरे जो है अट्रैक्शन एलोपेसिया, जब हम बाल को ज़्यादा खींच के बांधते हैं या हैंड बैंड्स वगैरह कुछ ऐसे हेयर स्टाइल हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमारे बाल जो खींच जाते हैं। और दूसरे और कारण हो सकते हैं जैसे ट्राइकोरहेक्सिस, कुछ जैसे जो हमारी हेयर की जो हमारी साफ्ट होती है इसमें अनॉर्मलिटी पैदा कर सकते हैं, जैसे हमारा एनेजन लूज एनेजन सिंड्रोम जो बच्चों में बेसिकली होता है, लगातार धीरे धीरे करके बच्चों के बाल सही होने शुरू हो जाते हैं, और हो सकता है ट्राइकोरहेक्सिस, इसके वजह से भी हो सकता है। और दूसरे फैक्टर भी हो सकते हैं जैसे हमारा पानी में ज़्यादा डर्ट है, पॉल्यूशन की वजह से, धूप के ज़्यादा वजह से, और रेडिएशन की वजह से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने की वजह से, ये भी बहुत सारे कारण हैं हमारे होने की। स्मोकिंग है जैसे, ये भी फैक्टर हो सकते हैं। मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया के बारे में। एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया क्या है? एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया जो है जेनेटिक डिजीज़ है, जब हमारे जेनेटिकली हमारे प्रीडिस्पोज होता है, मतलब ये हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचती है हमारे, ये जो है हमारे क्या होता है कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया दो तरीके का होता है मेनली। एक होता है मेल पैटर्न बाइंडलेस जिसे बोलते हैं, और फीमेल पैटर्न बाइंडलेस। दोनों ही कंडीशन में क्या होता है हमारे बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन बनता है हमारे टेस्टिस के अंदर, औरतों की छोटा औरतों में तो बहुत कम टेस्टोस्टेरोन बनता है ओवरीज के अंदर, ये जब इसकी मात्रा थोड़ी जब टेस्टोस्टेरोन होता है हमारे बॉडी में, वो टेस्टोस्टेरोन हमारा ट्रैवल करता है ब्लड के थ्रू शरीर में पहुँचता है हमारे, वो स्किन में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं हमारे, और इसमें एक एंजाइम होता है टेस्टोस्टेरोन को डीएसटी में कन्वर्ट करता है। डीएसटी ये मेन कॉज है जो हमारी हेयर फॉलिकल को श्रिंक करता है यानी सिकुड़ता है, जिससे हमारा जो है एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया। एंड्रोजेनेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एंड्रोजेनेजन हार्मोन से होता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से, और जेनेटिक मानी जेनेटिक एलोपेसिया मानी बाल झड़ना, जिसमें क्या होता है हमारा कि जो हमारा एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन बचा हुआ होता है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, बहुत सारी जगह हमारे 5 एंड्रोजन 5 ए आर नाम का एक एंजाइम होता है
5 अल्फा रिट्रेटेज जिसे एंजाइम बोलते हैं वो क्या करता है, हमारे टेस्टोस्टेरोन को डीएसटी में कन्वर्ट करता है, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में जब वो कन्वर्ट कर देता है तो जो ये इसकी मात्रा थोड़ी नॉर्मल मात्रा में होता है तभी क्या करता है हमारे बालों की ग्रोथ भी करता है, हमारे बॉडी के अंदर जैसे हमारा स्तन का साइज बड़ा होना, हमारे आवाज भारी होना, हमारे कंधे चौड़े होना, बहुत से हमारे जो बॉडी के अंदर बैलेंस एयर होते हैं उन्हें टर्मिनल एयर में चेंज कर देता है। जैसे बैलेंस एयर मान सकते हैं, जैसे बॉडी में बहुत सारे पतले पतले जो बॉडी में एयर होते हैं वो सारे बैलेंस एयर बोलते हैं, जो बॉडी में हम सबसे पहले जैसे हम बचपन में होते हैं तो हमारे सिर्फ रुआ से जैसे बोलते हैं ना वो बैलेंस एयर ही होते हैं, इस बैलेंस एयर को टर्मिनल एयर यानी जो परमानेंट बड़े बड़े जो काले बाल जो बड़े बाल जो करता है वो उसे टर्मिनल एयर बोलते हैं। ये भी हमारा डीएसटी ही करता है जब प्यूबर्टी के टाइम में, जैसे हमारे दाढ़ी के बाल मूंछों को बाल आना ये सारा जो है डीएसटी का काम ही होता है। जब कुछ लोगों में क्या होता है इससे कुछ ज़्यादा इसकी जो हेयर फॉलिकल्स होती हैं नीचे जो डर्मल पैपिला के पास में एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत से लोगों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तभी सेंसिटिव जब होता है तो उनमें क्या करता है हेयर फॉलिकल को उनकी ग्रोथ को रोक देता है, उनकी सपोर्ट देता है उनके लिए, यानी फॉलिकुलर मिनिमाइजेशन कर देता है, यानी कि उनकी हेयर फॉलिकल को थोड़ा सपोर्ट देगा जिसकी वजह से क्या है उनकी जो हेयर की ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी, उनका जो फेस है बालों को जैसे एनेजन कैटेजन फेस वो टेलोजन फेस थोड़ा लंबा हो जाएगा और एनेजन फेस कम हो जाएगा जिसकी वजह से क्या है बाल निकलेंगे हमारे तो उस तरीके से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, यानी एनेजन फेस जो 3 से 7 साल का है तो वो 1.5 साल का रह जाएगा जिसकी वजह से थोड़ा सा बाल निकला हमारा बाहर थोड़ा सा रह जाएगा, मतलब बैलेंस हेयर टाइप का बन जाएगा हमारा, मतलब छोटे छोटे बाल हो जाएंगे हमारे जिसकी वजह से क्या है बहुत ज़्यादा गंजेपन महसूस होगा। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में जो मेनली दिखता है हमारा इधर वाला जो हिस्सा होता है हमारा इधर जो क्राउन वाला एरिया होता है और ये फ्रंटल वाले एरिया में इसमें बाल हमने जाना शुरू होते हैं और आदमी में जो बाल्डनेस होता है यहाँ से ही होता है इस तरीके से यू शेप हो सकता है एम शेप इस तरीके से पीछे, और औरतों में जो बाल जाते हैं लेट मूवमेंट्स के अंदर वो यहाँ से इनकी हेयर लाइन कम होती चली जाती है यहाँ से। इसका जो मेनली मैंने कारण बताया वो है डीएसटी, मगर हर किसी में नहीं होता, ये बहुत सारे जीन्स हैं जैसे एंड्रोजन रिसेप्टर जीन, कॉक्सी1 जीन, LSS जीन जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं वो उनके बेस पे हो सकता है, और ये एक दूसरे से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में ये कभी कभी ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के वजह से हो सकता है, यानी कि जब फ्री रेडिकल्स बनते हैं हमारी बॉडी में या फ्री रेडिकल्स की संख्या ज़्यादा होती है वो हमारे हेयर फॉलिकल को ख़राब कर सकते हैं, उसके वजह से भी हो सकता है। और दूसरा इसी तरीके से, और इसका मैं बात कर लेता हूँ टेस्ट के बारे में, इसके जो टेस्ट किए जाते हैं जैसे मेनली जो टेस्ट होते हैं टेस्टोस्टेरोन का लेवल चेक कराया जाता है, डीएसटी का लेवल, LH हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, इस तरीके से टेस्ट जरूरी नहीं इसमें टेस्ट हों, CBC चेक कर सकते हैं और बायोप्सी कर सकते हैं। और इसमें अब मैं बात कर लेता हूँ उसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका जो मेनली ट्रीटमेंट है वो होता है हमारा मिनोक्सिडिल 2% से लेकर 5% तक। मिनोक्सिडिल क्या है, मिनोक्सिडिल एक वैसोडायलेटर है, वो क्या करता है हेयर फॉलिकल्स को चौड़ा कर देता है, जिससे हेयर जो हमारी हेयर फॉलिकल्स सिरिंक हो गई उनका ब्लड सर्कुलेशन तेज कर देगा जिसकी वजह से क्या है हमारे बाल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। और दूसरा है फिनास्टेराइड, फिनास्टेराइड और मिनोक्सिडिल के साथ में भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे मिनोक्सिडिल और फिनास्टेराइड के साथ में कॉम्बिनेशन में स्प्रे आते हैं बहुत सारे, जैसे ट्राइकोसिल्क प्रो, हेयर फॉर यू, इस तरीके से हम स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ओरल फिनास्टेराइड टैबलेट जो है सिर्फ आदमियों के लिए चलती है, मैन के लिए इसका जो कोर्स होता है करीब आपको जो रिजल्ट दिखाई देंगे करीब 6 महीने में कम से कम, इसकी डोज चलती है 1 mg per day करीब 6 मंथ तक। और दूसरा जो दवाई चलती है इसमें जो फिनास्टेराइड में टैबलेट, अब मैं जैसे आपको बता दूं जैसे फिनास्टेराइड है, डोटास्टेराइड है, ये काम कैसे करते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में, ये जैसे फिनास्टेराइड या डोटास्टेराइड ये क्या करते हैं, ये जो है 5-alpha reductase इनहिबिटर कहलाते हैं, ये यानी कि जो हमारा एंजाइम होता है जो टेस्टोस्टेरोन को डीएसटी में कन्वर्ट करता है उसका नाम है 5-alpha reductase एंजाइम, ये उसके लिए इनहिबिट कर देते हैं यानी उसे रोक देते हैं जिसकी वजह से क्या है उसे ब्लॉक कर देते हैं जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन जो है वो डीएसटी में कन्वर्ट नहीं हो पाता, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है जिसकी वजह से हमारी ईयर फॉलिकल जो है श्रिंक नहीं होती, जिससे दोबारा हमारी रीग्रोथ ईयर की चालू हो जाती है। इस तरीके से देखा गया स्टडी में जैसे फिनास्टेराइड जो है
वो करीब 70% तक जीएसटी का लेवल कम कर सकता है, लेकिन जो डुटास टू राइड है वो करीब हमारा ब्लड सीरम में डीएसटी का लेवल करीब 90% तक घटा सकता है। ये स्टडी हुई थी अमेरिकन डर्मेटोलॉजी जर्नल में छपा था, इसके अंदर एक रिसर्च हुई थी जिसमें देखा गया था कि 70% तक करीब फिनास्टराइड डीएसटी सीरम को कम कर सकता है और 90% तक करीब जो हमारा डूटास्टेराइड कर सकता है। और इसमें जो है सबसे मेन जो कारण है डूटास्टेराइड का काम करने का, जैसे जो हमारा फिनास्टेराइड है वो सिर्फ जो 5-alpha-reductase एंजाइम type 1 में सिर्फ काम करता है, और जो दूसरा डूटास्टेराइड है वो दोनों में काम करता है, आइसो एंजाइम 5-alpha-reductase type 1 और type 2, दोनों आइसो एंजाइम में काम करता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे आपका सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाना, लिबिडो की प्रॉब्लम हो सकती है, सेक्सुअल इलेक्ट्राइल प्रॉब्लम हो सकती है जैसे आपके, और दूसरा गायनेकोमास्टिया, आपके स्तन के साइज बड़ा हो सकता है, मेनली सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है। वो बहुत नाक के बराबर लोगों में इसके सिम्टम दिखाई देते हैं। टैबलेट आती है जैसे पिनक्रेसिया टैबलेट, और दूसरी जो दवाई चलती है जैसे हमारी वो चलती है डूटास्टेराइड, इसकी एमजी होती है 0.5 एमजी। ये भी सिर्फ मैन में चलती है, वुमेन में इसलिए इस्तेमाल नहीं होता है कि टेराटोजेनिक इफेक्ट दिखाती है, यानी कि प्रेगनेंसी के अंदर एबनॉर्मलिटी पैदा हो सकती है बच्चे के अंदर। और दूसरा हमारे ये औरतों में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। हाँ इफेक्टिव है, जैसे मिनोक्सिडिल फिनास्टेराइड अगर हम टॉपिकल सोल्यूशन देते हैं तब औरतों में इफेक्टिव है ये, क्योंकि वैसोडाइलेशन का काम करता है ये, फॉलिकल्स को ये भी चौड़ा करेगा, ये भी चौड़ा करता है। और दूसरा ये औरतों में जो ट्रीटमेंट चलता है स्पायरोलैक्टोन टैबलेट, और बाकी जो है रिडेंसल कैपेक्सल एमिनेक्सल ये भी हेयर फॉलिकल को वैसिटाइलेशन का काम करते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमारे ट्रीटमेंट के जो मेथड हैं दूसरे, जैसे होता है हमारा पीआरपी, प्लाज्मा रिच थेरेपी। प्लाज्मा रिच थेरेपी में क्या होता है, हमारा ब्लड निकाल के जो है सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है उसमें से प्लेटलेट प्लाज्मा को अलग कर दिया जाता है, फिर डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं आपके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं प्लेटलेट प्लाज्मा के लिए, जिससे क्या है हमारी हेयर की ग्रोथ होती है। इसमें बहुत सारे रिसर्च में देखा गया है कि प्लेटलेट प्लाज्मा से हमारी हेयर की ग्रोथ दोबारा हो जाती है, जैसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया या कोई दूसरे एलोपेसिया में हेयर लॉस में इसमें हमारी हेयर की ग्रोथ हो सकती है दोबारा। और दूसरी जो सर्जिकल ट्रीटमेंट मेथड है जैसे हमारे जो है हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट में जो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट होता है जो सर्जन है वो आपके हेयर का जो जहाँ पर आपके हेयर जाते हैं जैसे पिछले हिस्से में आपके बाल जाते होते हैं तो बाल यहाँ से लेके हेयर फॉलिकल्स को वो आपके यहाँ ट्रांसप्लांट करता है दूसरी जगह जहाँ बाल नहीं होते हैं, जहाँ बाल कम होते हैं या कहीं आसपास में बाल जाते हैं तो दूसरी जगह भी आसपास एरिया में भी ट्रांसप्लांट कर सकता है। वो आपका एक स्पेसिफिक हेयर जब सर्जन ही करता है, और ये तब करा जाता है जब ये दवाइयों से हमारा ठीक नहीं हो पाता है, जैसे जो हमारा हेयर फॉल है हेयर लॉस है ये दोबारा बाल नहीं आ पाते हैं हमारे, मेडिसिन से और जो दूसरे मेथड हैं इस्तेमाल करते हैं उनसे प्लेटलेट प्लाज्मा या फिर जैसे इंटरनेशनल इंजेक्शन हो गया उनसे अगर बाल नहीं आ पाते हैं हमारे तब हमारा ये जो है जो हेयर ट्रांसप्लांट मेथड इस्तेमाल होता है सिर्फ, ये लास्ट ऑप्शन है। इसमें क्या होता है ये हम किसी भी उम्र में करवा सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट में जो जब ट्रांसप्लांट कराया जाता है तो डॉक्टर आपको बहुत सारी कुछ सलाह देगा, माइल्ड शैम्पू इस्तेमाल करे जाते हैं और इस तरीके से जो है, और डॉक्टर आपके लिए कुछ ट्रीटमेंट प्रोसीडर बताएगा कि ऐसा ऐसा आपको करना है, जिससे क्या है 6 महीने 1 साल के बाद आपके जो है बाल परमानेंट ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, आपके जैसे नॉर्मल ग्रो करते हैं बाल ऐसे ही आपका ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी बालों की। और दूसरा मैं जो मेन कारण है मैं बात कर लेता हूँ उसके एलोपेसिया एरिएटा के बारे में। एलोपेसिया एरिएटा क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि जब हमारा इम्यून सिस्टम जब हमारी हेयर फॉलिकल्स को अटैक करना मारना शुरू कर देता है यानी खत्म कर देता है जब, उसे बोलते हैं एलोपेसिया एरिएटा। एलोपेसिया का मतलब बाल झड़ना, एरिएटा यानी पैच। इसमें क्या होता है मेनली हमारे जो बालों में जो है गोल गोल सर्कल से पैचेस बन जाते हैं, हमारे बालों में पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे पैचेस गोल गोल से हमें दिखाई देंगे और चिकने होते हैं बहुत ज्यादा स्मूथ होते हैं। ये मैन में भी हो सकता है वुमेन में भी हो सकता है, ये बहुत इसके बहुत सारे ट्रिगर हो सकते हैं, जैसे आपको कोई ऑटोइम्यून बीमारी है ल्यूपस की बीमारी है या कुछ और बीमारी है आपको, जैसे आपका
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, जैसे आपको विटिलिगो है जो सफेद सफेद दाग हो जाते हैं, या कोई भी ऑटोइम्यून बीमारी होने की वजह से, ये इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट होने की वजह से आपका ये दिक्कत हो जाती है इसमें। ये कुछ जेनेटिक भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, एलोपेसिया, एक होता है एलोपेसिया टोटालिस। एलोपेसिया टोटालिस में क्या होता है, हमारे सिर के पूरे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। एक तो होता है एलोपेसिया यूनिवर्सली, जिसमें क्या हमारे बॉडी के पूरे बाल, ये बहुत कम मान लो आप 1-2% लोगों में होता है, ज़्यादातर लोगों में एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया 50% लोगों में होता है। एलोपेसिया रेट बहुत नाप के बराबर 1-2% लोगों में ही पूरी दुनिया में पाया जाता है। इसका अब मैं बात कर लेता हूँ इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो किया जाता है हमारा, मिनोक्सिडिल स्प्रे देते हैं हम। मिनोक्सिडिल स्प्रे 2% 5% में ये क्या करेगा, वैसोडाइलेशन का काम करता है। इसमें है दूसरा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम चलती है, ये जो बीटामेथासोन वैलेट जैसे बेटनोवेट क्रीम आती है, क्लोबेटिसिल प्रोपेनेट जैसे इस्तेमाल होता है लोकली जो है, जैसे कैनाकॉर्ड क्रीम जैसे ट्रैमसिलोन, इस तरीके से ये क्या करती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम में से थोड़ा मतलब ग्रोथ को एक्टिवेट होने से थोड़ा सप्रेस कर देती है, मतलब कम कर देती है। कुछ दूसरी इम्यून सप्रेशन दवाएं चलती हैं, मेथोट्रेक्सेट जैसे आता हमारा वो क्रीम के फॉर्म में, साइक्लोस्पोरिन कैप्सूल के फॉर्म में चलता है जैसे, इस तरीके से मेथोट्रेक्सेट में जैसे क्रीम आती है ट्रैक्स जो आए फॉलीट्रैक्स इस तरीके से, और टैबलेट के फॉर्म में इम्यून सप्रेशेंट भी चलते हैं इनसे। और कुछ अगर इनसे फ़ायदा नहीं हो पाता है तो लोकली जो है लोकली इंजेक्ट करते हैं, ट्राइमसिलोन का इंटरलेशनल इंजेक्शन ऊपर इंजेक्ट करेंगे, इससे इम्यूनिटी को थोड़ा सप्रेस कर देता है, उसके वजह से हेयर की ग्रोथ काफ़ी बढ़ जाती है, बहुत फ़ायदा होता है लोगों को। और दूसरी जो जैसे एलोपेसिया टोटालिस हो गया या एलोपेसिया यूनिवर्सलिस है, पूरे शरीर के बाल बढ़ जाते हैं, तो जेनस काइनेज इनहिबिटर, उनके साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं जेनस काइनेज इनहिबिटर के, जैसे बैक्रीटिनिप हो गया, टोफासिटिनिप, इस तरीके से दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। और कुछ और भी जो है इम्यून सप्रेशन चलते हैं इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए, जिससे क्या है हमारा जो है हेयर फॉलिकल का जिसके वजह से दोबारा ग्रोथ हो सके, और जिससे जो है इम्यून सप्रेशन थोड़ा सप्रेस हो जाए, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और हम इसमें जो टेस्ट किए जाते हैं मेनली ब्लड के टेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे ANA, CRP, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट हो, और तुम्हारा जैसे DST का टेस्ट हो सकता है, और तुम्हारा CRP का लेवल टेस्ट हो सकता है, स्कैल बायोप्सी हो सकती है इसमें जो है स्कैल बायोप्सी भी हो सकती है। एक उसे होता है टेलोजिन एफ्लोबियम में क्या होता है, जो है हमारे बाल जो हैं इसकी वजह से कोई दूसरे फैक्टर से गिर सकते हैं, जैसे हमारा ये जो है बाल गिर सकते हैं हमारे फीवर की बुखार की वजह से, या कोई हमें इन्फेक्शन हुआ है हमारे बॉडी में उसकी वजह से झड़ सकते हैं, इसमें कोई स्ट्रेस की वजह से झड़ सकते हैं हमारा बॉडी में, किसी बीमारी के बीच झड़ सकते हैं, जैसे हमारे हार्ट की बीमारी है या कोई डायबिटीज़ की बीमारी है, उसके थायराइड का लेवल हमारा ऊपर नीचे है, क्योंकि थायराइड में जो है थायराइड जो है हमारे हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट कर सकती है, फॉलिकल में बहुत सारे सेंसिटिव होती है हमारी हेयर फॉलिकल, प्रोलैक्टिन का लेवल आपका बढ़ा हुआ है तब भी हो सकता है आपको हेयर फॉल, इस तरीके से इसमें जो है थायराइड हार्मोन का लेवल आपका बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है इसके वजह से भी हो सकता है आपका, आपके बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी है, जैसे विटामिन ए कम है आपकी बॉडी में, डी कम है, ई कम है, बायोटीन कम है, सेलेनियम कम है, जिंक की कमी है, इन सारे विटामिन की कमी से भी वजह से, क्योंकि विटामिन डी है जैसे हमारे ग्रोथ में फ़ायदा करता है, इस प्रोटीन की आपकी डाइट में कमी है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी उसकी वजह से हो सकता है, आपका कोई केमिकल से एक्सपोजर हुआ है आपका टेलोजन अपने में उसकी वजह से हो सकता है, इस तरीके से आपके जो अदर फैक्टर होते हैं दूसरे इसमें जो है क्या, जैसे आपको कोई ट्रिगर, इसमें ट्रिगर होते हैं बहुत सारे, इन्फेक्शन जैसे आपका इन्फेक्शन कोई बीमारी थायराइड की प्रॉब्लम, या आपको कोई और दिक्कत है, आपको कोई इन्फेक्शन हुआ था, बुखार हुआ था, या आपकी बॉडी में वीकनेस आई थी, या आपने जो है लगातार आपको भूख कम लगती है, भूख की कमी है आपके शरीर में, आप खाना कम खाते हैं, इसके वजह से भी हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच पाएंगे आपकी बॉडी में, उसके वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है, आपकी बॉडी में हेयर फॉल हो सकता है इसे। और बाकी जो है जैसे हमारे प्रोटीन की मात्रा हमारी बॉडी में कम है तब भी हो सकता है ये जो है, इस ये नॉर्मली मेनली सही हो जाता है, ये ट्रिगर जो होते हैं 3 से 6 महीने के बाद हमें दिखाई देंगे इसके सिम्टम्स। इसमें क्या होता है, ये जैसे एंड्रोजेनिक एलोपेसिया में बाल यहाँ से जाते हैं, इसमें क्या होता है कि अचानक से हमारे बाल टूटना शुरू हो जाएंगे, बहुत जल्दी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, हमारे बालों की स्कैल्प बहुत, बाल जो हैं स्कैल्प बहुत स्पार्स हो जाती है, मतलब बहुत घने से हमारे बाल थोड़े
मतलब कम कम हो जाते हैं बाल, दिखाई देने लगते हैं हमें, बाल टूटने लगते हैं। इसमें जो है मेनली जो है हमारा कुछ दवाइयां हैं जैसे ब्लड थिनर, खून को पतला करने वाले दवाई, कुछ दर्द की दवाइयों साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कुछ और दूसरे जैसे हमारे ब्लड प्रेशर की दवाइयों उसके वजह से भी हो सकता है, कुछ एंटीबायोटिक के वजह से भी हो सकता है। इसमें जो मेनली अब मैं बात कर लेता हूँ, इसलिए मेनली जो है इसमें ज़्यादा टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, मेनली हम टेस्ट करवा सकते हैं जैसे CBC, TSH, T3, T4, मेनली CBC भी पता चल जाएगा हमारा, और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी विटामिन का टेस्ट करवा सकते हैं इसे इस तरीके से। और इसका मेनली बात कर लेता हूँ ट्रीटमेंट के बारे में, इसका ट्रीटमेंट जो मेनली जैसे हम कर सकते हैं जैसे मिनोक्सिडिल का स्प्रे है आता है जैसे, वो यूज़ कर सकते हैं मिनोक्सिडिल स्प्रे, जिसमें वो क्या करेगा फिर एसिटिलेशन करने से हमारी फॉलिकल्स को ग्रोथ करेगा। विटामिन की टैबलेट आती है जैसे कैराग्लो टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, कैराग्लो है, कैराग्लो ईवा वूमेन के लिए आती है, जैसे फॉली हेयर टैबलेट आती है, कोई हेयर सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉली सीरम वगैरह, और इस तरीके से जैसे रिबाइलिस टैबलेट मल्टी विटामिन, फॉली हेयर फॉली करके बीटाबायोटिक्स की टैबलेट आती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी मेडिसिन का जो नॉर्मली हम ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं, ये नॉर्मली अपने आप भी सही हो सकता है। विटामिन का सप्लीमेंट ले सकते हैं, कोई दवाई हमारी चलनी है वो बंद हो जाएंगे तो खुद ही इसके बालों की ग्रोथ हो जाएगी, या कोई एंटी हेयरफॉल शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं हम कोई, इसमें उसकी ग्रोथ हो जाती है। ज़्यादातर वुमेन्स में क्या होता है टेलोजिन एप्लीबियम जो है वो आयरन की कमी की वजह से भी हो सकता है, जैसे आयरन की कमी हो जाती है तो आयरन के लिए सप्लीमेंट दिया जाता है जैसे डेक्सोरेंज, हिमअप कैप्सूल या ओरोफेरेक्सट्री, इसके साथ में कोई मल्टी विटामिन, जिससे क्या है वो उसकी हेयर की ग्रोथ दोबारा हो सकती है। अब मैं बात कर लेता हूँ एनर्जन एक्टिवियम के बारे में। एनर्जन एक्टिवियम में क्या होता है हमारा, जैसे जो हमारी हेयर फॉलिकल जो होती है, जब कोई हमारा कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट दिया जाता है या कोई और दूसरा ट्रीटमेंट, जो कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट दिया जाता है कैंसर का, तो उसमें क्या होता है हमारी बहुत ही जाते इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है, वो क्या करती है हमारी फॉलिकल को डैमेज कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या हमारा बहुत जल्दी हेयर फॉल हो जाता है बहुत जल्दी। इसमें क्या है लगातार आपका हेयर फॉल को दोबारा वापस आ सकता है, इसे मिनोक्सिडिल स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से, और ट्रीटमेंट जैसे बंद होगा आपके हेयर, कुछ कंडीशन में आपके बाल वापस नहीं आ सकते अगर पूरी तरीके से हेयर फॉलिकल डैमेज हो गई हैं, वरना दोबारा बाल वापस आ जाते हैं और हमारे आई लैसेस में भी बाल झड़ने लगते हैं इसमें। और अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे स्कैरिंग एलोपेसिया, जिन्हें जिसे बोलते हैं साइसेटिकल एलोपेसिया जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है हमारे दो मेनली कारण हैं, एक होते हैं प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या है जैसे कोई आपको कोई बीमारी है जैसे डेकेंडेंट फॉलिकुलाइटिस डेकलमेंस हो गया, जैसे कोई आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, दाने वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं इस तरीके से हो सकता है। इसमें क्या होता है स्कैरिंग एलोपेसिया में जब हमारी जो हेयर फॉलिकल होती है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन यानी कि पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, अंदर से जो बल्ब होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर का जो हेयर फॉलिकल है जब वो डैमेज हो जाती है पूरी तरीके से तो हमारी ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी हेयर की। तो इसके वजह से क्या है हमारा कभी कभी हमें चिकना दिखाई देता है और कभी कभी स्कार्स बन जाता है इसमें, इसके लिए इसे स्कैरिंग एलोपेसिया बोलते हैं, यानी खुरन टाइप का मतलब आपको एक दिखाई देगा कुछ ऐसे हल्का सा स्कार टिश्यू यानी कि जो है फैट का टिश्यू जम जाता है बन सकता है इसमें। इसमें पूरी तरीके से जो है आपकी ग्रोथ बहुत ही ना के बराबर हो सकती है, इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके। इसमें मेनली कारण है जैसे हमारा फॉलिकुलाइटिस डेकलमेंस जैसे इन्फेक्शन होता है इसमें प्राइमरी इन्फेक्शन में, प्राइमरी में जैसे फॉलिकुलाइटिस डेकलमेंस जैसे हमारा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ कहीं हमारे दाने वगैरह निकलते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा उसकी पेस्टिक गांठे टाइप की बन जाती है, उसमें क्या हमारी फॉलिकल के अंदर तो डैमेज कर देता है जब बैक्टीरिया, तो उसमें जो ट्रीटमेंट चलता है हमारा टॉपिकल स्टेरॉइड है, टॉपिकल एंटीबायोटिक जैसे टीबैक्ट है, इस तरीके से क्रीम चलती हैं। और दूसरा हो सकता है आपका लाइकेन प्लानोपेरिस, इसमें लाइकेन बीमारी होती है जो हमारी ऑटोइम्यून इम्यून सिस्टम को हमारी जब अटैक करना शुरू कर देती है स्कैल्प के लिए, उसे लाइकेन प्लानोपेरिस बोलते हैं, उसमें भी हमारे फॉलिकल डैमेज हो सकती हैं प्राइमरी रीजन में। एक होता है डिस्क्वाइट ल्यूपस, ल्यूपस में जब स्कैल्प पर हमारा इन्फेक्शन इम्यून सिस्टम अटैक कर देता है तब भी हो सकता है हमारा। दूसरा सेकेंडरी कारण हो सकता है हमारा जैसे कोई ट्रॉमा हुआ हमें, हमें जैसे कोई चोट वगैरह लगी थी हमारे कोई सर में जिसके हमारे हेयर फॉलिकल डैमेज हो गई, या हमारे जलने की वजह से हमारा कहीं जल गया था, या केमिकल के वजह एक्सपोजर की वजह से हमारा हेयर फॉलिकल डैमेज हो गई, या हमारा कोई रेडिएशन केमिकल रेडिएशन थेरेपी हुआ हमारा कैंसर का जिसकी वजह से क्या है हमारे अंदर तक हेयर फॉलिकल डैमेज होने की वजह से
इसमें जो है जो मेनली ट्रीटमेंट जो टॉपिकल ट्रीटमेंट वगैरह काम नहीं करते हैं, जैसे मिनोक्सिडिल वगैरह, इसमें बहुत कम कंडीशन चांस रहते हैं कि आपके बाल दोबारा आने के। इसमें जो है हम एयर ट्रांसप्लांट हो सकता है, एयर ट्रांसप्लांट हो सकता है इसमें। और दूसरा जो है हमें इसमें टॉपिकल क्रीम जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम, जैसे कैनाकॉर्ट क्रीम है, ट्रैमसिनोइन, बिटोमेथासोन वैलरेट का अच्छा रिजल्ट देखा गया है, क्लोबेटिसिन प्रोपेनेट का अच्छा रिजल्ट देखा गया है इस तरीके से। और एंटीबायोटिक क्रीम जैसे फेसिटिन क्रीम है, फेसिटिक एसिड, विप्रोसिन, इस तरीके से डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक भी दी जाती है कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्शन उसे ख़त्म करने के लिए। और अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे दूसरी जो हेयरफॉल के कारण हैं, जैसे हमारे टीनिया कैपेटिस। टीनिया कैपेटिस में क्या होता है, ज़्यादातर ये बच्चों में होता है और बड़ों में भी हो सकता है। जैसे जो हमारा फंगल फंगस होता है, फंगस अगर हमारे स्कैल्प में इन्फेक्शन कर देता है, फ्लेक्स टाइप्स के बन जाते हैं, मतलब जैसे जैसे डेंड्रफ होता है, गोल गोल से सर्कल्स टाइप से बन जाते हैं, जिससे कि अब जैसे क्या है हमें हेयरफॉल हो सकता है। हमें इसके बचाव के लिए जैसे जो है एंटी फंगल शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे निद्राल शैम्पू है, स्कैल्प प्लस शैम्पू, और साथ में जो इसकी जो टैबलेट चलती है एंटी फंगल टैबलेट, जैसे इटोकोनाजोल और जैसे टर्बिनाफाइन, इस तरीके से करीब 4 से 6 महीने तक का इसका कोर्स होता है। अगर फंगस पूरी तरीके से ठीक हो जाता है तो हेयर लॉस नहीं होगा। अगर फंगस ठीक नहीं हो पाता है तो जो बालों का फंगस है स्कैल्प के अंदर, तो वो हमारे लिए बालों को हेयर फॉल कर सकता है, हमारे हेयर फॉलिकल को डैमेज कर सकता है। वो फॉलिकुलाइटिस भी हो सकता है, जब हमारी हेयर फॉलिकल्स के अंदर कोई भी बैक्टीरिया और वो जब एंटर इन्फेक्शन करना से कर देता है तो बम्स टाइप के बन जाते हैं, बहुत छोटे छोटे दाने से कौन सी टाइप की हो जाती है, वो बालों में कहीं भी हमारे स्कैल्प में भी हो सकती हैं। उसके लिए कोई नॉर्मल एंटीबायोटिक क्रीम, स्टेरॉइड क्रीम से वो ठीक हो सकता है। बालों के लिए जो है अपना बहुत ज़्यादा कस के बांधते हैं, जब हम बालों को कस के बांधते हैं जब हम, तो क्या होता है जो हमारे बालों की एयर फॉलिकल्स होती हैं वो डैमेज हो सकती हैं, वो बाल खींच सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों में सूजन आ सकती है। ये जो है हमारा अचानक जैसे हम बालों को अपना सही ढंग से बांधेंगे, जैसे हम हेड गियर वगैरह जो पहनते हैं हमारे बालों के चोटियाँ वगैरह बांधते हैं और ढीले बांधना शुरू कर देंगे, तो खुद ही हमारी इसमें कोई अगर हो रहा है तो आपकी कोई क्रीम वगैरह लगा सकते हैं, जैसे टॉपिकल स्टेरॉइड क्रीम या एंटीबायोटिक क्रीम से ठीक हो सकता है। और बालों को ढीला करके छोड़ेंगे, बालों की अगर करेंगे तो ठीक हो सकता है इसमें, जिससे बोलते हैं ट्रैक्शन एलोपेसिया। और दूसरा जो कारण है ट्राइकोट्रिलोमैनिया में जैसे हेयर पुलिंग सिंड्रोम होते हैं, जिससे क्या होता है जैसे कोई हमारे स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी की वजह से हम क्या करते हैं बालों को खींचना शुरू कर देते हैं अपने, इसमें पूरी तरीके से बाल हमारे डैमेज हो सकते हैं। इसमें हमें चाहिए काउंसलिंग, एक साइकेट्रिस्ट की काउंसलिंग चाहिए होगी हमें इसे करने के लिए। और दूसरी जो प्रॉब्लम है हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, जैसे इन्वायरमेंट में हमारे यदि पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन क्या करता है फ्री रेडिकल्स बनाता है, ऑक्सीजन की वजह से, या तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमारा जो है बालों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। और दूसरा जैसे हमारा पानी है, पानी जैसे हम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं पानी में इम्प्योरिटीज ज़्यादा हैं, हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर क्या करता है हमारा जो है ईयर फॉलिकल्स को डैमेज करना, जो जिसके वजह से क्या है ये साल्ट बनाता है, जिसकी वजह से हमारे बालों में रुक जाता है, जिसके हमारे फॉलिकल को डैमेज कर सकता है। और हमारा जैसे हम स्मोकिंग करते हैं, हम स्मोकिंग से वजह से भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है और हार्ट की प्रॉब्लम बनती है, नसों की प्रॉब्लम, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है आपके, जिसकी वजह से क्या है आपका बालों में जो है बालों की समस्या हो सकती है। ज़्यादातर देखिएगा जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन्हें अल्कोहल जो लेते हैं उनकी भी हो सकता है। अब मैं बात कर लेता हूँ जैसे फॉलिकुलर मिनियचराइजेशन जैसे बोलते हैं, फॉलिकुलर मिनियचराइजेशन मतलब क्या है कि हमारे ज़्यादातर केस में 90% केस में क्या होता है हमारा जो हमारी हेयर की फॉलिकल होती है वो सिकुड़ जाती है बहुत ज़्यादा। वो हो सकती है हमारी एज की वजह से, हमारी अगर उम्र बढ़ रही है, जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है हमारी हर चीज़ जो है बूढ़ी होना शुरू हो जाती है, यानी हमारी जो हेयर फॉलिकल जो है वो भी सिकुड़ना शुरू हो जाती है और उसमें ग्रोथ जो है न्यूट्रंट्स वगैरह इतना अच्छा काम नहीं कर पाती है। जेनेटिक हो सकता है हमारा, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, जैसे हमारे उसमें क्या है जैसे स्ट्रेस हो सकता है हमारा, कुछ केमिकल का एक्सपोजर हुआ है, या कोई हमारा जैसे बीमारी है हमारे लिए कोई, या हमारा कोई जैसे कुछ दवाएं वगैरह लेते हैं उसके वजह से हो सकता है, मेडिकेशन जैसे हार्ट की दवाइयाँ हैं, या कुछ थायराइड की प्रॉब्लम है हमारे, या हार्ट की बीमारी है हमारे लिए, इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है हमारे।
पॉलीथिन होना चाहिए। विटामिन की डेफिशिएंसी, अगर हम पूरी तरीके से विटामिन नहीं ले रहे हैं, जैसे प्रोटीन विटामिन हमारे बॉडी को जो चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं, तभी हमारी फॉलिकुल जो है सिकुड़ सकती है, हमारी मिनियचराइजेशन हो सकता है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे, जैसे कुछ मिथ हैं लोगों के बारे में, जैसे हैट पहनने से कि बाल आपके झड़ने लगेंगे, कि आपके बालों के लिए मतलब स्कार्फ वगैरह मत बांधो इसकी वजह से कि आपके बालों को हेयर चाहिए। हमारे जो हेयर होते हैं वो अंदर से ग्रोथ होती है, ऊपर से कुछ का कोई लेना देना नहीं होता। हैट तो जो है वैसे हम ढीला कर करके हैट पहनेंगे, तो हैट जो है हमारा क्या करता है, हमारे बालों को डस्ट पॉल्यूशन वगैरह से बचाती है। अगर डस्ट वगैरह पहुँचेगा हमारे बालों में तो नुकसान पहुँचा सकती है, हमारे फॉलिकल्स को डैमेज कर सकता है, हमारा पॉल्यूशन है, डस्ट है, इस तरीके से सनलाइट धूप के वजह से भी हो सकता है। अगर ओवर एक्सपोजर हमारा सनलाइट के हो रहा है, मतलब जैसे धूप का, तो हमारी जो हेयर होते हैं ऊपर की वो डैमेज हो सकते हैं, मतलब जैसे उनका जो शाफ्ट है वो डैमेज हो सकती है, और ज़्यादा सीबम निकलने की वजह से, ज़्यादा स्वेट ग्लैंड निकलने की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ जैसे गर्मी में बढ़ जाती है इस तरीके से। और बहुत से मिथ है कि बाल 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 मुड़ने से जो है हमारे बाल बाल अगर शेविंग करेंगे या बाल शेविंग करेंगे, बालों को ट्रिमिंग करेंगे, तो हमारे बाल बहुत जल्दी मुड़ मतलब घने हो जाएंगे हमारे बाल। ऐसा कुछ नहीं, जो आपकी हेयर फॉलिकल साफ्ट होती है वो डिपेंड करती है आपकी, कि ऐसे क्या होता है कि जब हम ट्रिमिंग करते हैं शेविंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या है बाल हमें कोर्स दिखाई देता है, थोड़ा ऊपर का जो ब्लंट हो जाता है उसके इसका हिस्सा जो है खुरदरा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बाल बहुत घना मोटा मालूम चलता है। ऐसा कुछ नहीं होता, बालों की जो थिकनेस है आपकी वो आपकी जेनेटिकली प्रेडिस्पोज्ड होती है, आपका फॉलिकल कैसा है, आपका जेनेटिक कैसा है वो डिपेंड करता है आपका। बहुत सा जैसे कि आप पानी में जो है अपने कि आपके पानी में हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर आपके हेयर फॉलिकल को डैमेज कर सकता है, जिससे उसमें जमा हो सकता है आपका। और अब मैं बात कर लेता हूँ, जैसे कुछ शैम्पू आते हैं, कुछ तेलों के बारे में, जैसे हमारा वाओ का टैनिंग बन हेयर वाला था, आप वो लगा सकते हैं बालों में अपने नॉर्मल हेयर ग्रोथ के लिए। बैरंगराज का तेल आता है, जैसे बैद्यनाथ का बैरंगराज ऑयल, बैद्यनाथ आयुकेश हेयर वाला आता है वो लगा सकते हैं, बैरंगराज आंवला हेयर ऑयल आता है बहुत सारी कंपनियों का, जैसे बजाज का, इस तरीके लगा सकते हैं। इसे प्याज का तेल लगा सकते हैं हम, प्याज का तेल आता है हमारा हमदर्द का, इसे प्याज का तेल उसके साथ में कलौंजी भी होती है वो लगा सकते हैं बालों में अपने। और जैसे ऑर्गन ऑयल है, जुजोबा ऑयल है, इस तरीके से बहुत सारे तेल आते हैं, इनके कंपनी बहुत सारी कंपनियों के तेल आते हैं, जैसे कीटो मैक हेयर ऑयल आता है वो लगा सकते हैं। और भी जैसे तेल आते हैं, जैसे हमारे कीटो मैक हेयर ऑयल हो गया, और मैक्सी सॉफ्ट हेयर ऑयल आता है वो लगा सकते हैं बालों में, ट्रीचअप का हेयर ऑयल आता है, केयरफॉल हेयर ऑयल आता है फिक्सडर्मा का वो लगा सकते हैं, जैसे इंदुले का हेयर ऑयल आता है वो भी बालों में अच्छी ग्रोथ करता है, बालों को स्टिमुलेट करता है वो लगा सकते हैं। बहुत सारे तेल जो हैं, जैसे रोजमेरी ऑयल आता है वो लगा सकते हैं। बहुत सारे तेलों में देखा गया है कि स्टडी करी गई नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर जो जैसे माने जाते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल में कुछ पाया गया कि मतलब कोकोनट ऑयल में नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर है, उसमें क्या करता है कोकोनट ऑयल थोड़ा डीएसटी को ब्लॉक करने का काम कर सकता है, हल्का गुनगुना करके कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। जैसे कलौंजी का तेल है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, कलौंजी का तेल थोड़ा हम गर्म करके बालों में लगा सकते हैं, इसमें कोई बादाम का तेल मिला के लगा सकते हैं, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं जिसके अंदर, डैंड्रफ को भी कम कर सकता है। और जैसे कि हमारे जो है बालों में बादाम का तेल लगा सकते हैं, पेपरमेंट का तेल, पेपरमेंट का एक दो बूंदे डाल सकते हैं हम, जैसे कुछ कैरी वाला डाल सकते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल भी जो है नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर है, ये भी जो है डीएसटी का लेवल थोड़ा कम करता है। और दूसरा पम्पकिन सीड ऑयल जो है ये भी नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर है, ये इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं बादाम के तेल में, किसी के तेल में लगा के। और रोजमेरी ऑयल लगा सकते हैं, सौ पालमेटी को कैप्सूल आते हैं वो खा सकते हैं, वो भी नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर है। और जैसे हमारा ग्रीन टी है, ये भी नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर है, ग्रीन टी में जो है एपी नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो बालों को डीएसटी एंटी नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर की तरह काम कर सकता है। इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे मार्केट में तेल हैं अवेलेबल जो इनकी ग्रोथ देखा गया है, इनकी ग्रोथ अच्छी है। और दूसरे जैसे हम जो है कुछ शैम्पू में जो है कुछ केमिकल होते हैं,
वो हमारे बालों को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे हमारा पैराबेन हो गया, जैसे सोडियम बोरोन सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, फैलेट हो गया, इस तरीके के फॉर्मल्डिहाइड, ये केमिकल जो होते हैं हमारे बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे हमारा फैलेट है, फैलेट देखा गया कि ये टेस्टिस को भी सपोर्ट देता है और ये हमारे बॉडी में जो है वो पैदा कर सकता है कि मतलब इस बॉडी में जो है हमारे एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है घटा बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से हमारे हेयर लॉस हो सकता है। जैसे सोडियम लॉरेट सल्फेट है, और सोडियम लॉरेट सल्फेट इसमें जो है बालों को, इसमें भी थोड़ा इफेक्ट कर सकता है बालों की हेयर क्वालिटी के। ये जो है हमारे जो नेचुरल फ्यूल की ऑयल होता है उससे कम कर सकता है, जिसके हमारे की वजह से बाल नाजुक हो सकता है। ये क्लीनिंग का काम करता है वैसे तो बालों में, जिसकी वजह से क्या है नेचुरल सीबम को भी क्लीन कर देता है। और जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड भी क्लीनिंग एजेंट है, और फॉर्मल्डिहाइड क्या करता है आपको बालों को साफ करने का डिटर्जेंट की तरह काम करता है, जिससे क्या है आपके बाल जो है साफ सुथरे रहते हैं। अगर ये इसकी मात्रा ज़्यादा होगी तभी हेयर को नुकसान पहुँचा सकता है आपको। और जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है, ये जैसे नाम नमक टेबल सॉल्ट बोलते हैं, ये हमारा एक क्लीनिंग एजेंट की तरह काम इस्तेमाल में होता है। जैसे फोमी टाइप का हो जाता है थोड़ा शैम्पू हमारा, जिसके भी इसका अगर ये कभी कभी इफेक्ट कर सकता है हमारे बालों को हेयर पा साफ के ऊपर। जो कुछ पैराबेंस होते हैं, कुछ नए कुछ जैसे पैराबेंस होते हैं वो नुकसान कर सकते हैं। पैराबेंस जो होते हैं जैसे नेचुरल मतलब प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो हमारे शैम्पू को खराब होने से बचाते हैं। अगर उनकी मात्रा ज़्यादा होगी तो हमारे बालों को नुकसान पहुँचा सकते हैं वो। और जैसे कुछ नेचुरल आर्टिफिशियल फ्रेगनेंसेस हैं, आर्टिफिशियल कलर्स हैं, वो भी हमारे बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ मार्केट में जैसे शैम्पू आते हैं बहुत सारे, ये पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री, और जैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे शैम्पू, स्कैल्प शैम्पू, मैक्सी सॉफ्ट शैम्पू, बीटे साइंस शैम्पू, इस तरीके से और बहुत सारे शैम्पू हैं। आयुकेश वैद्यनाथ का शैम्पू है, जैसे इंदुले का शैम्पू है, आयुर्वेदिक शैम्पू आते हैं बहुत सारे, ट्रीचअप का शैम्पू है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हम हेयर फोरियो का शैम्पू आता है, फॉली मिनी चेक शैम्पू आता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे मेडिकेटेड जैसे मिंट ऑफ शैम्पू है, रिडेंसिल होता है इसके अंदर, कैपेक्सिल होता है वो भी हेयर ग्रोथ में फायदा करता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे हम अगर बालों में हमारे फंगल इन्फेक्शन हुआ है, टीनिया हेपेटाइटिस है, तब उसमें जो है हम जो है एंटी फंगल शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई स्कैल्प प्लस शैम्पू है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कैल्प प्रो शैम्पू है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कैल्प प्लस शैम्पू ज़्यादा बेहतर रिजल्ट है उसका। वो सैलिसिया केटी शैम्पू आता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जोकोन केजेट शैम्पू है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जोकोन जो है किटेकोनाजोल जो है हमारा एक नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर की तरह भी काम करता है। अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ आपके बालों में तो उसके वजह से भी आपके बाल झड़ सकते हैं, जिसे टीनिया हेपेटाइटिस बोलते हैं, और जिसके वजह से क्या है आपके ये आपके डेंड्रफ को कम कर देंगे और आपके जो फंगल इन्फेक्शन है उसे कम कर सकते हैं। और कुछ कंडीशनर आते हैं, जैसे मिंटो का कंडीशनर है, फॉली सीरम है, हेयर ग्लो कर की सीरम आता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक्सी सॉफ्ट हेयर सीरम है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे कंडीशनर आते हैं बेहतर से बेहतर मार्केट में, कंडीशनर मौजूद हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे हम इस तरीके से बहुत सारे कंडीशनर शैम्पू आते हैं मार्केट में जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका बालों में रिजल्ट भी देखा गया है। फॉली सीरम, फॉरी फेयर ग्लो सीरम, बालों में जैसे अगर पानी में टैप वाटर में आप तो क्लोरीन वगैरह की वजह से भी हो सकता है आपके बालों में, हो सकता है। जैसे नॉर्मली हम प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपको धन्यवाद। हो सकता है आपके बालों में, हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आप कोई बालों से रिलेटेड कोई समस्या है आपको तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
या कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। आपका धन्यवाद।